हम जा रहे हैं राजस्थान के एक उत्सव का हिस्सा बनने। राजस्थान के बहराना गांव में जहां मिलेट उत्सव मनाया जा रहा है। 100 ग्राम बाजरा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बारहमासी खाने की आदत बना ले तो जो कुपोषण हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में व्याप्त हो रहा है, हम उसको बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे हमारी संस्कृति के अनेक रंग और जानेंगे पौष्टिक आहार की गुणवत्ता और स्वाद के बारे में। चलो गांव चले, मिलेट उत्सव स्पेशल देखना ना भूले इस रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आजादी की जंग यूं ही नहीं लड़ी जाती, लड़ने को लगता है जज्बा, जिगर, बाजीगर। देशभक्ति को उजागर करने वाला डीडी नेशनल शो स्वराज हर रविवार सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे, हर शनिवार रात को 9 बजे भी। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी। प्राकृतिक खेती जब से आप कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ी है? हाँ बिल्कुल बढ़ रही है जी। गाय के पशुओं से खाद होती है, उससे गौमूत्र से ये वनस्पति होती है, इसे सड़ा गला के उससे करते हैं। प्राकृतिक खेती की आपको जानकारी कहाँ से हुई कि प्राकृतिक खेती भी होती है? कृषि विज्ञान केंद्र से मैं जुड़ा और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप ये प्राकृतिक खेती करो, तो मैंने इस प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। चौपाल चर्चा प्राकृतिक खेती 16 फरवरी गुरुवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल ले। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय क्रम हाजिर होते हैं और आज दो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय क्रम हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर आपको हम जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे प्रमुख फूलों की खेती को लेकर। अभी का जो समय है उसमें कौन से प्रमुख फूल हैं जिनकी खेती आप कर सकते हैं, और इसके साथ ही बात होगी मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण की भी। जाहिर तौर पर दोनों ही अपने आप में बेहद खास विषय जिसके बारे में आपको सारी जानकारी हम देंगे, लेकिन अगर इन दोनों विषय से संबंधित आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। इसके अलावा आप हमारी ई मेल आई डी भी नोट कर सकते हैं, इस पर भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आई डी है hellokisan2015@gmail.com, इस पर भी आप अपना सवाल जो है हमें लिखकर भेज सकते हैं। कोशिश हमारी यही, जल्द से जल्द आपके जितने सवाल हैं उनको हम शामिल करें, लेकिन आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज तो बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस एस सिंधु जी, आप डीन और अध्यक्ष हैं पुष्प विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका।
और इसके साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर कनकलता जी, आप अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल गुधारा गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर कनकलता जी। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया, दो खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आइए अब बात कर लेते हैं पहले यहाँ पर फूलों की खेती को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक रुझान जो है वो हमारे किसानों को नजर आता है फूलों की खेती को लेकर, लेकिन अभी का जो समय है या कौन से ऐसे अलग अलग फूल हैं जिनकी खेती हमारे किसान इस समय कर सकते हैं, इस बारे में आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। डॉक्टर सिंधु, अभी जो समय चल रहा है, क्या स्थिति हमारे देश में फूलों की खेती को लेकर? देखिए मुकुल जी, अभी जो है कि जो प्रमुख फूल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और कट फ्लावर के रूप में उनको पैदा किया जाता है। जैसे कि हम गुलाब की बात करें, ग्लैडुलस की बात करें, जरबेरा की बात करें, आपको लिलियम की बात करें, और शरदकालीन मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें बहुत ही बेहतरीन गुणवत्ता के फूलों को नॉर्मली उगाया जाता है। इसके साथ साथ हम कुछ फूल ऐसे भी हैं जो प्रमुख कट फ्लावर के तौर पे, जो मैंने अभी जो चर्चा में बताए हैं जी, उनको या तो खुले खेत में आप पैदा कर सकते हैं या आप उनको ग्रीन हाउस में भी पैदा कर सकते हैं जी। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि भाई यहाँ पे जैसे हमारे खास करके उत्तरी भारत में, वो भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास, तो खास करके सर्दियों के मौसम में इन सभी फूलों को उगाया जा सकता है। यदि हम पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ पे ग्रीष्मकालीन मौसम में भी इन कट फ्लावर को आसानी से उगाया जा सकता है। तो अब ये देखिए कि पूरे वर्ष आप भारतवर्ष के एक कोने से दूसरे कोने में सभी प्रकार के फूलों को खास करके हम उगा सकते हैं और उनकी व्यवसायिक खेती करके बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्ष भर देखिए फूलों की खेती की जा सकती है, लेकिन आप किस क्षेत्र में हैं और वहाँ पर कोई भी विशेष फूल है, कौन सी अच्छी किस्म रहेगी, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। कई तरह के समारोहों में बढ़ते फूलों के उपयोग ने इस तरफ किसानों का ध्यान खींचा है। फूलों की खेती मौजूदा दौर में फायदे का सौदा बन गया है। यही कारण है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फूलों की खेती का रुख कर रहे हैं। इनकी सुरक्षित खेती के लिए पॉली हाउस का इस्तेमाल भी बढ़ा है, क्योंकि इनमें आप हर मौसम में फूलों का उत्पादन ले सकते हैं। भारत में जलवायु में पाई जाने वाली विविधता से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में फूलों की खेती की जाती है। जैसे जरबेरा, इसकी करीब 70 संकर किस्मों की खेती की जाती है। एक साल में इसकी दो फसलें ली जाती हैं, पहली बसंत ऋतु में, दूसरी ग्रीष्म ऋतु में। गांठों की रोपाई फरवरी से मार्च के महीने में की जाती है। रोपाई करते समय कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी 30-30 सेंटीमीटर रखें। गुलाब में बेहतर पुष्पन के लिए सिंचाई व निराई गुड़ाई करते रहें। वहीं गेंदा की कुछ प्रजातियों जैसे हजारा और पावर की खेती साल भर की जा सकती है। एक फसल के खत्म होते ही दूसरी फसल के लिए पौध तैयार कर ली जाती है। तो जाना आपने किस तरीके से जो प्रमुख फूल हैं उनकी खेती की जाती है और व्यावसायिक रूप से इसकी खेती करके हमारे किसान अच्छा खासा लाभ ले रहे हैं। साथ ही आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, बात करते हैं हमारे दूसरे विषय की, जिसमें आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। आपको बता दें, इस वर्ष की अगर बात की जाए तो बाकायदा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का आयोजन किया जा रहा है, यानी और किस तरीके से हमारे जो मोटे अनाज हैं, जो पोषक अनाज हैं, इनको हम और ज़्यादा प्रोत्साहन दे सकते हैं, कैसे इनको बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन और बढ़ावा अगर में देना है आर्थिक तौर पर तो इनका प्रसंस्करण जरूरी हो जाता है। इस बारे में डॉक्टर कनकलता जी क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जी, अब जैसा कि आपने बताया कि ये जो वर्ष है इसको हमने कदन्न वर्ष यानी मिलेट्स ईयर के रूप में हम मना रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मना रहे हैं, विश्व के बहुत सारे देश, लगभग 90 देश और भी इसको इस वर्ष के रूप में देख रहे हैं। और ये जरूरत इसलिए बन पड़ी है क्योंकि अभी जो कोरोना की महामारी हमने झेला, उसमें हमने ये देखा कि जिनके शरीर में ताकत थी, इम्यून पावर, जो रोगों से लड़ने की प्रतिकारक क्षमता थी, वो बचे, और जो लोग अगर थोड़े भी कमजोर थे तो उनकी वो जिंदगी से हाथ धो बैठे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं को, पोषण संबंधी समस्याएं नजर पे आई हैं, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही जरूरी है कि जो पोषक चीज बरसों से उपेक्षित हो रही थी उनको फिर से हम लाएं। और ये जो कदन है यानी जो छोटे अनाज या मोटे अनाज कहते हैं या मिलेट्स के रूप में आजकल ज्यादा जाने जाते हैं जी।
ये वर्षों से बहुत ही प्रचलित है हमारे देश में, खास करके जो आदिवासी क्षेत्र है, गांव ग्राम के क्षेत्र है, वहां के लोग इसका प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये जो नवीनता आई है, शहरीकरण आई है, और इसके इस दौड़ में कहीं हमारे जो ये पोषक अन्न थे ये पीछे छूट गए हैं। तो और थोड़ा सा जो प्रसंस्करण की बात है वो भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि जो ये छोटे अनाज होते हैं तो प्रसंस्करण में थोड़े, जैसे जो बड़े अनाज, मतलब जैसे हम गेहूं, धान, मक्के की बात करते हैं, उनकी बहुत सारी ऐसे मशीन है और उनकी तैयारी लोग कर लेते हैं, पर जो छोटे अनाज है थोड़ी सी मुश्किल इसमें पड़ रही थी और इसकी जो थोड़ा वजन भी कम होता था, जिसकी वजह से किसानों को कहीं ना कहीं इस मशीनीकरण के दौर में वो पीछे रहे हैं। लेकिन आज फिर समय आया है कि हमें फिर वहीं जाना पड़ेगा और इन सारी चीजों को फिर से स्वीकार करना है। अब बात आ गई है कि जो पारंपरिक परिवार थे, पारंपरिक रसोई के जो तरीके थे, उसमें अभी बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। तो अब आज की जो गृहिणियां हैं, इन मोटे अनाजों के बहुत सारे जो व्यंजन होते हैं उससे वो वाकिफ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बीच में समय गुजर गया, जैसे हम अपनी दादी नानी से सीखते थे, लेकिन एक जनरेशन बीच में गैप हो गया, ये इन चीजों को हमने छोड़ दिया था। उसी की आवश्यकता है कि वो सारी जानकारी तो फिर से अब इसको वापस लाने के लिए हम फिर से उन पुरानी परंपराओं को टटोलना पड़ेगा कि कैसे इन अनाजों की तैयारी होती थी, उनसे कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते थे, और उसको लोकप्रिय तरीके में थोड़ा सा और उसका नवीनीकरण करके, और इसकी जो आर्थिक दृष्टिकोण है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा, जिससे और ज्यादा मुनाफा मिल सके। और पिछले दिनों मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था कि पहले कृषि के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर्स होते थे, लेकिन अब मिलेट्स प्रेन्योर जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं, जो लगातार मोटे अनाज के प्रसंस्करण की दिशा में आगे काम कर रहे हैं। इस बारे में और भी जानकारी हमारी जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर लाभ कमाया जा सकता है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन आदि बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करके बाद में बाजार मांग के अनुसार व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं, बल्कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से जो हमारे पोषक अनाज है, मोटे अनाज में जो शामिल हैं, आप इनको श्री अन्न हम कह रहे हैं, तो किस तरीके से इसके जरिए जो प्रसंस्करण है वो इनका किया जा सकता है और इससे अच्छी खासी आमदनी आप ले सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, ईमेल पर भी हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। हमारे साथ नंदस्वरूप मिश्रा जी जुड़े हैं। हेलो, मैं जानना ये चाहता हूँ मोटे अनाज के बारे में, जब खेत में इसको पैदा करें तो इसको किस प्रकार से जहरीली दवाओं से, रासायनिक खादों से बगैर हम इसको पैदा करें। दूसरी चीज का जब हम भंडारण करें उसमें भी हम जहरीली दवाओं या ऐसी चीजों से हम दूर रखें, जिससे इस चीज के लिए, सेहत के लिए मोटा अनाज अच्छा है तो वो स्वस्थ रहे। और दूसरी चीज जो फूल है, तो हमें कौन कौन से फूल लगाने चाहिए जो हमारे जीने भी टिक सके और फूल सुखाने बाद भी टिक सके, जिनका हम चौरा जल, गंगा जल, ये जल बना करके उसमें भी हम अच्छा लाभ प्राप्त करें।
जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण किस तरीके से हमारे जो किसान हैं, देखिए अलग अलग ना सिर्फ फूलों की खेती भी करते हैं बल्कि प्रसंस्करण के बारे में। पहले डॉक्टर सिंधु आपके पास मैं आना चाहूँगा, जिस तरीके से फूलों की खेती के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे कि कौन से ऐसे फूल हैं जिनकी ना सिर्फ कटाई करके भी अच्छी कीमत हमें मिल सकती है बल्कि सुखाकर वहाँ उस दिशा में भी एक विकल्प किसान के पास बचता है जिससे वो अपने लाभ को बढ़ा सके। हाँ, मिश्रा जी ने काफ़ी अच्छा एक सवाल ये पूछा है। तो अभी सबसे पहले तो हम इनको यही बताना चाहेंगे कि जैसे गुलाब है, गुलाब से अर्क निकालते हैं, गुलाब का तेल निकालते हैं और कन्नौज में काफ़ी इसकी फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं जी, और भारत सरकार भी इस पर काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। तो गुलाब से हम तेल निकाल करके, उसका अर्क निकाल करके और उसको देश विदेश में भी भेज सकते हैं जी, और इसका काफ़ी अच्छा बाजार है। इसके बाद है दूसरा रजनीगंधा, ट्यूबरोज, ट्यूबरोज से भी हम उसकी एसेंस निकाल सकते हैं, उससे तेल निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अभी भाई लोगों ने देखा कि वो है गेंदा, जिसको मैरीगोल्ड बोलते हैं जी, और मैरीगोल्ड से भी हम इससे जो है विटामिन ए, खास करके जो येलो पिगमेंट है, ल्यूटियन जिसको हम बोलते हैं, जेंथोफिल, उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, उसको खीर में, उसको हलवे में, उसको मिठाई में प्रयोग कर सकते हैं जी। और यहाँ तक कि इनसे हम नेचुरल जो है हमारे प्राकृतिक रंग हैं उनको भी हम निकाल सकते हैं। और जो आप देखते हैं कि होली पे जो रंग यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो भी फूलों से ही निकाले हुए नेचुरल, यानी उस लिहाज से भी काफी अच्छा बाजार देखिए आपको मिल जाता है। और कुछ समय बाद जब होली का त्योहार आएगा तो हम बाजार में भी देखते हैं प्राकृतिक रंग जो है वो इन्हीं फूलों के जरिए हमारे पास तक पहुंचते हैं। साथ ही डॉक्टर कनकला जी, हमारे जो दर्शक थे वो जानना चाह रहे थे कि कैसे जो रसायन है उससे हम अपने मोटे अनाज को बचा सकते हैं, कैसे उसकी उत्पादन अच्छा लेंगे, या भंडारण तक की भी अगर बात की जाए किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है, जो कि एक तो श्री अन्न, जो अभी आपने कहा कि श्री अन्न जो छोटे अनाज हैं इनके भंडारण और उनको रसायन से कैसे बचाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगी, जो अपने भाई ने हमसे अभी जो ये बातचीत की, वार्तालाप किया, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अनाज ऐसे हैं जो कि बड़े ही सहिष्णु होते हैं, ये रोगों से सहिष्णु होते हैं, सूखे का सहिष्णु होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको ऐसी बीमारियां, रोग ज्यादा दिखेंगे ही नहीं कि आपको अंधाधुंध रसायन का छिड़काव करना पड़े। प्रतिरोधक क्षमता इनकी जी बहुत ज्यादा होती है इनमें। तो कहते हैं एक गांव में कहावत है कि वज्र पड़े तो बाजरा होए, मतलब जब कुछ नहीं है, बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी बाजरे की खेती हो जाती है। तो एक इतना सहिष्णु ये फसल होती, ये जो ये सारी फसलें होती है, बीमारी और जो जो कीटाणु जीव जंतु भी इस पे बहुत कम लगते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसे लग भी जाए तो अभी बहुत सारे ऐसे जैविक चीजें हैं। आज हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो हम नीम की पत्तियों का अर्क बना करके गौमूत्र के साथ में और बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम में हमेशा बताए जाते हैं, उन सब का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी उनका प्रयोग करके देखिए गुणवत्ता जो है मोटे अनाज की बचा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ राहुल जी जुड़े हैं फोनलाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका राहुल जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, हेलो जी राहुल जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? नमस्ते सर जी। सर मेरा सवाल फूलों की खेती को लेकर के था सर, उसमें सर फूलों में मेजरली जो है बोट्राइटिस ब्लाइट एक डिजीज होती है सर, उसका अटैक काफी देखा जाता है, जो कार्नेशन है, रोज है, इन सभी फूलों में, और रेड स्पाइडर माइट जो इंसेक्ट होती है सर, इसका भी काफी अटैक देखने को मिलता है। तो इसका जो है हम इसे प्रिवेंट कैसे करें, और अगर आ रही है डिजीज, अगर लग गई है क्रॉप में, तो इसको हम जो है क्योर कैसे करें? सबसे पहला तो बोट्राइटिस के बारे में इन्होंने पूछा। बोट्राइटिस ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बीमारी है, फंगस से होता है। तो सबसे पहले तो आप खेत जो है आपका, उसको आप खरपतवार से रहित रखें। उसके बाद जब भी पौधे में कोई भी आप कटाई छटाई करें, या खुरपा चलाएं या फावड़ा चलाएं, तो उसको सावधानी रखें कि कोई भी कंद कटने ना पाए, क्योंकि उससे बोट्राइटिस का खास करके अटैक होता है जी। कोई भी गंदगी खेत में का ढेर ना लगाएं, अदरवाइज वहाँ पे बोट्राइटिस का जो फंगस है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद वो पूरे खेत में फैल जाता है जी। यदि बरसात होगी तो बहुत जल्दी से फैलेगा, और खास करके साफ सफाई ही इसका एक सही एक प्रिवेंटिव मेजर्स है जी। और खास करके दूसरा है कि आपका एक सवाल इन्होंने पूछा कि रेड स्पाइडर माइट, रेड स्पाइडर माइट्स खास करके ग्रीन हाउस में काफ़ी आती है, और यदि हम जरबेरा या गुलाब की खेती
और ग्रीन हाउस में करते हैं और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तो रेड स्पाइडर माइट तुरंत आता है। तो इसके लिए कोशिश करें कि हवा का आवागमन रहे, ग्रीन हाउस में साइड के वेंटिलेशन खोल के रखें और जो आर्द्रता है वो 60 और 65 के आसपास रहे। और फिर भी यदि कोई बीमारी आती है तो रेड स्पाइडर माइट के लिए आप डाइकोफोल का स्प्रे कर सकते हैं जी, 0.5 ml प्रति लीटर ऑफ जो वाटर है पानी में उसमें घोल करके और उसको स्प्रे कर सकते हैं जी। और रेड स्पाइडर माइट के लिए आप अकेले पानी का भी स्प्रे कर देंगे तो रेड स्पाइडर माइट काफी हद तक खत्म हो जाती है। और ये बेहद जरूरी, अगर आप निगरानी रखेंगे तो लगातार इस तरह के जो कीट हैं उनसे भी रोकथाम आपकी रहेगी, और अगर बीमारी किसी तरह की आ रही है तो समय रहते उस बीमारी से भी आप अपने जो फूलों की खेती कर रहे हैं आप उसका बचाव कर सकेंगे। साथ ही मोटे अनाज के बारे में भी और जानकारी आपको देंगे, जो और सवाल आपके लगातार हमारे पास आ रहे हैं उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मांग लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है, ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं फूलों की खेती के बारे में और साथ ही मोटे अनाज का खाद प्रसंस्करण आप कैसे कर सकते हैं। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल भी आप कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com और मेल के जरिए कई सवाल हमारे पास आए हुए हैं, इस पर हम जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर कनकदत्ता जी, हमारे पास एक सवाल आया है अनु अनमोल जी का, ये है हापुड़ उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल है क्या जो मक्का है वो भी मोटे अनाज की श्रेणी में आता है? जी नहीं, मोटे अनाज में मक्के को अभी शामिल नहीं किया गया है। इस वर्ष जो हम लोग मना रहे हैं मिलेट वर्ष, इसमें से मक्के को मेजर में रखा गया है और उनसे जो छोटे अनाज जो अपरिचलित जो ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं ऐसे अनाजों को शामिल किया गया है, जो मुख्य तौर पे 8 अनाज लिया गया है जिसमें सामा, चीना, कंगनी, जो उसको बाजरी, उसके अलावा ज्वार है, इन सारे अनाजों को शामिल किया गया है और मक्का को इनसे अलग रखा गया है। बिल्कुल, तो देखिए अभी फिलहाल मोटे अनाज की श्रेणी में नहीं, लेकिन पोषक अनाज के तौर पर हम इसको जरूर देख सकते हैं, काफी फायदा इसके जरिए भी मिलता है। साथ ही अगला सवाल जो है ये डॉक्टर सिंधु सुभाष कुमार जी का हमारे पास आया है नवादा बिहार से, और ये जानना चाह रहे हैं क्या सूर्यमुखी की खेती ये करना चाहते हैं, क्या इसको अभी लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं तो कौन सी उन्नत इसकी किस्म है और बीज कहाँ से इसके लिए मिल पाएगा? हाँ, सूरजमुखी की खेती है उसको, वैसे तो इसको हम तेल निकालने के लिए लगाते हैं लेकिन इसको कट फ्लावर के रूप में भी लोग प्रयोग में लाते हैं और ख़ास करके मार्च और अप्रैल के महीने में इसको लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे ख़ास करके ये बताना चाहूँगा कि सूरजमुखी की जब भी कोई प्रजाति लगाएं वो थोड़ा ड्वार्फ किस्म की लगाएं, देसी टाइप ना लगाएं, क्योंकि देसी टाइप बहुत लंबी हो जाती है और वो गिर जाती है और वो कट फ्लावर में उसका अच्छा बाज़ार भाव नहीं मिल सकता जी। तो जो ड्वार्फ नेचर की हैं, जो कट फ्लावर में चलती हैं, जिसका फूल कंपेरेटिवली कम्पैक्ट है, छोटा है, और जिसका जो सेंट्रल डिस्क है जिसमें बीज बनता है जी, वो जो सेंट्रल डिस्क है वो कम से कम हो, तो उसको हम कट फ्लावर के उसमें लेके आते हैं, श्रेणी में लेके आते हैं और उसको बाजार में बेचा जाता है जी। तो अभी जो मार्च और अप्रैल का महीना है इस दौरान में इसको लगा सकते। चलिए बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ पंजाब के कपूरथला से हरि सिंह जी फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हरि सिंह जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार हरि सिंह जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी डॉक्टर साहब जी,
डॉक्टर साहब जी, गुलाब जो है वो सूखने लग गया है और जो गेंदा है मोटे जो फूल होते हैं उसकी कौन सी वैरायटी होती है जी? और ये भी बताना कि मोटे अनाजों में जो कोदरा है उसका बीज कहाँ से मिलेगा? मेहरबानी जी। तो सबसे पहले तो गेंदे का सवाल लेते हैं हरि सिंह जी आपका, और जहाँ तक ये सवाल है आपका कि सूखने लगा है, सूखने का क्या कारण हो सकता है कि या तो उसमें कोई बीमारी लगी है या कोई आपका उसमें कीड़ा लगा है या कोई उसमें आपने पानी की समस्या है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। और दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो सूखी हुई ब्रांच हैं उनको आप निकाल दें, जो सूखे हुए फूल हैं उनको भी निकाल दें। और इसको गुलाब में खास करके दो समय पे फूल आता है, एक आता है उसको बोलते हैं विंटर फ्लस, जो दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास जो फूल आता है वो शरदकालीन फूल कहलाता है। उसके बाद अब जो फूल आएगा, ये जो महीना है 15 फरवरी से लेके और 15 मार्च तक के बीच में, इसको हम कहते हैं बसंत का फूल, इसको हम स्प्रिंग फ्लस बोलते हैं जी। तो इस समय हल्की फुल्की जो भी सूखी ब्रांच उनको निकाल दें, जो बड आई हुई है उनको मेंटेन करें, उससे फूल खिलेगा। और हल्की सिंचाई करें, निराई गुड़ाई करें, और हो सके तो उसमें आप NPK 150 ग्राम नाइट्रोजन और 75 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम के पोटास जी, इनका एक मिश्रण बना के प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसको खेत में छिड़क दें, उसके बाद उसकी निराई गुड़ाई कर दें, हल्की सिंचाई कर दें, वो मिल जाएगा जी। दूसरा सवाल था इनका कि जो गुलाब है वो एक तो मोटे गेंदे के बारे में जानना चाह रहे थे, और दूसरा इनका सवाल था गेंदे का जी। गेंदे में इन्होंने पूछा है कि मोटा जिसका फूल आता है, तो इसमें एक है आर्का अंगारा, तो वो हमारी IHR जो इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में उसकी वैरायटी है। एक है पूसा बहार, वो हमारी पूसा संस्थान की है और हमारे संभाग से ही मिलेगी, और अभी तो देखिए कि अभी वो फ्लावरिंग में है, और उसका जो बीज है ये आप आने वाले समय में अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं, हमारे पूसा संस्थान से ले सकते हैं जी। और जो पूसा बहार है और पूसा बसंती है, ये दोनों बड़े आकार के फूल इसका आता है। इसके साथ साथ है, ये दोनों किस्में हैं जो पीले फूल में है। एक है पूसा नारंगी गेंदा जी, वो भी हमारा पूसा संस्थान का है, हमारे संभाग से विकसित हुआ है, काफी लोकप्रिय किस्म है, काफी लोकप्रिय है, और उसका जो कलर है वो है नारंगी, और उसको भी पंजाब में अक्टूबर के महीने में लगाया जा सकता है। और हमारा फोन नंबर है 011-2584-1929, पूसा हमारे जो संस्थान है, और हमारा जो पुष्प एवं भुदर से संभाग है उसका नंबर है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फ्लावरिंग में है, अभी ये वैरायटी नहीं लगेंगी, सितंबर अक्टूबर के महीने में इनको लगाया जा सकता है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए जो सही समय है उसका ख्याल आपको रखना होगा। साथ ही डॉक्टर तंत्रता जी, जो हमारे दर्शक हैं वो अलग अलग सवाल पूछते हैं, और ये पूछते हैं कि कैसे जो अलग अलग हमारे मोटे अनाज की जो श्रेणी की जब हम बात करते हैं, श्री अन्न की जब हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से बाकी भी जो हमारे अन्न हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, और एक जब प्रसंस्करण की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से इसके लिए प्रशिक्षण वगैरह ये मिल सकता है? जी मुकुल जी, और अभी जो भाई अभी बात कर रहे थे फूलों की, उन्होंने एक सवाल ये भी किया था कि कोदो के बीज उन्हें कहाँ मिलेंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में भारत में भारतीय मिलिट्स अनुसंधान संस्थान है, ये हैदराबाद में है, और अगर आप ऐसा लिख करके गूगल पे आप करेंगे तो उनकी वेबसाइट वगैरह भी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये मिलिट्स वर्ष है और आपको बहुत ध्यान दिया जाएगा आपके सवालों पर। दूसरी बात है कि उनका जिला हमें नहीं पता था, लेकिन आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाइए, हमें भी ये हर कृषि विज्ञान केंद्र को ये जिम्मेवारी दी गई है कि इस वर्ष में जो किसान इच्छुक हैं उन्हें हम इनके बीज उपलब्ध करवाएं, तो आप वहां से भी आप बात करें तो वो भी आपकी मदद करेंगे इन कोदो के बीज लेने में। और जो तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने क्षेत्र में देखिए, अगर आप गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, मुझे उनका राज्य पता नहीं चल पाया, तो आप अपने आसपास में देखिए कि कुछ जो पुराने किसान या आदिवासी किसान हैं जिनके
पास शायद कोदो के बीज हों तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। कपूरथला पंजाब से वहाँ से। अच्छा जी जी, तो आपके हरियाणा वगैरह में भी कुछ लोग करते हैं तो थोड़ा आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास इतना बीज नहीं उपलब्ध है कि हर दुकान में आपको मिले। ये अभी इस वर्ष हम ये कोशिश में है कि किसानों तक हम बीज उपलब्ध कराने की क्षमता हम उत्पन्न कर सकें। बिल्कुल, तो देखिए लगातार बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है इसी वजह से। फिलहाल आनंद प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर जी, हमें जानना चाहते हैं जो ब्लू रोज होता है, नीला गुलाब, ये कौन कौन सी, इसकी वैरायटी बारे में जानकारी दे दीजिए, और ये हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। हाँ देखिए, ये आनंद प्रताप सिंह का सवाल है कि ब्लू रोज में ब्लू मून एक इसकी प्रजाति है, और एक अभी हाल ही में जो जापान से एक किस्म निकली थी उसका नाम है एप्लोज ट्रू ब्लू, यदि गुलाब की हम बात करें एप्लोज वैरायटी है। उसके साथ साथ हमारी एक्स लेडी है, ब्लू लेडी है, ये कुछ ऐसी ब्लू मून है, ये ऐसी कुछ नीले कलर की किस्में हैं, और इनके पौधे हमारे पूसा संस्थान से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, पुष्पम भूदृश्य निर्माण संभाग पूसा संस्थान नई दिल्ली से भी। और इसके साथ साथ आपको यदि अपने इलाके में कोई अच्छी नर्सरी कोई उपलब्ध हो तो वहाँ से भी आप इसकी पौधे ले सकते हैं, और उसके बाद पौधे बडिंग के माध्यम से आप बढ़ा सकते हैं। और ये ठीक है कि एक रेयर कलर है, ट्रू ब्लू और ट्रू ब्लैक जो दो कलर हैं ये बहुत ही रेयर हैं, और ये आसानी से इतने आसानी से हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, या तो ये राष्ट्रपति भवन में देखने को मिलेंगे या किसी अच्छी नर्सरी में या हमारे पूसा संस्थान में। हमारे जो दर्शक है वो उसके बारे में भी, तो इन्होंने ब्लू गुलाब के बारे में बात की, तो मुकुल जी मैं चलते चलते एक किसान भाइयों को और बहन भाइयों को बताना चाहूंगा कि मुगल गार्डन का नाम अभी बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है, और वो 31 मार्च तक पूरी हमारी जनता के लिए, बहन भाइयों के लिए, सबके लिए खुला है। सोमवार को सिर्फ बंद रहता है और 9 से 4 बजे का उसका समय है जी। तो वहाँ पे भी ब्लू रोज को देख सकते हैं, ब्लैक रोज को देख सकते हैं, ट्यूलिप की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो खिली हुई हैं। तो हमारे अमृत उद्यान में सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार ये है कि QR कोड लगा हुआ है जी। हर पौधे पे, हर फूल पे QR कोड है, आप अपने मोबाइल से स्कैन करके उस फूल की पूरी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार गाइड रखे गए हैं, और हमारे पूसा संस्थान से ही हम लोगों ने ही उसको, बागवानी विभाग से ही हमने अपने MSc और PhD बच्चों को, जो कि टाइम स्पेयर कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को वहाँ पे लगाया हुआ है जी। जो कि एक आम जनता के लिए काफ़ी तकनीकी ज्ञान देकर और काफी महत्वपूर्ण और काफी उनके लिए हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से ज्यादा जो रुचि है वो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व स्तर पर जो रुचि है वो बढ़ रही है मोटे अनाज की तरफ, पोषक अनाज की तरफ, और इसी वजह से इस बार के बजट में भी उसकी एक झलक हमें यहाँ देखने को मिली डॉक्टर कनकलता जी। लेकिन एक जो आम किसान है, क्योंकि फिर चाहे हम गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य की हम बात करें, तो खासतौर से जो महिलाएं हैं उनकी आत्मनिर्भरता के लिए ये उस दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, महिला जब हम प्रसंस्करण की बात करते हैं तो जब प्रसंस्करण की बात आती है तो अपने आप महिला की बात आती है, और जब महिला की बात आती है और प्रसंस्करण के साथ तो एक और भी बात आ जाती है, महिला संगठन, यानी जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, सखी मंडल इत्यादि जो हम जानते हैं, जिन नामों से इनका संगठन जाना जाता है, उनको छोटे मोटे ऋण दिए जा रहे हैं, और जो स्टार्टअप करने वाले अगर कोई बच्चे हैं वो भी इस पे काम कर सकते हैं, जो युवा हैं वो इस पे काम कर सकते हैं, तो महिलाओं को आगे आने का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा, क्योंकि आज की जनता जो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे ध्यान दे रही है तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही है जी। और जो ये श्री अन्न है, जो मिलेट्स हैं, ये पोषण से भरपूर होते हैं, और खास करके जो आजकल जो मोटापा, ओबेसिटी जो हमारे शहरों की एक आम बीमारी सी बन गई है, और उसके साथ वो बहुत सारी बीमारियों को साथ ले आती है, जैसे मधुमेह है, डायबिटीज वगैरह, तो उनसे लड़ने की इनमें क्षमता है, तो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री है, खास करके
जो ग्लूटेन इन की बात हम करते हैं जो गेहूं में बहुत ज्यादा है, बहुत लोग उसे एलर्जिक हो जाते हैं, बहुत लोगों को उससे चर्म रोग की बीमारी होने लगती है, तो उससे वो फ्री है। तो आजकल ऐसे रेसिपी अगर बना करके बाजार में हम डालें, और आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम अभी पीछे हैं, बहुत सारी महिलाओं के जो संगठन है वो कपकेक है, बिस्किट है, नान खटाई है, और इवन दो आप गुजरात की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि थेपला जो पहले सिर्फ गेहूं की रोटी की बनती थी, अब बाजरे की रोटी की बनने, बाजरे के आटे की भी बनने लगी है। और थेपला एक ऐसा व्यंजन है जो रोटी जैसी ही होती है लेकिन आप उसको कई दिनों तक खा सकते हैं। अलग अलग व्यंजन है, लेकिन डॉक्टर गुप्ता जी एक सवाल इसी से संबंधित हमारे पास आया है प्राण जी का जी। ये है रायसेन मध्य प्रदेश से, और ये जानना चाह रहे हैं कि जो मोटे अनाज का प्रसंस्करण इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो हमें कहां से मिल सकती है, और क्या ये निःशुल्क रहता है, इसके लिए भी किस तरह का शुल्क जो है एक किसान को देने की आवश्यकता रहती है? जी सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आप अगर कृषि से संबंधित, कृषि और उससे सह संबंधित जितने भी चीजें हैं उनके लिए आप अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र से जरूर संपर्क करें, क्योंकि वहां पर ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं और वो बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। निःशुल्क ही नहीं होते हैं बल्कि अगर आप वहां आ जाएंगे तो आपके दिन भर के खाने पीने चाय की भी व्यवस्था की जाएगी। तो और इस वर्ष जो 2023 का जो हमारा श्री अन्न वर्ष है इसमें तो हम लगातार हम ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करते रहेंगे। जैसे मैं अपने जिले के केवीके की अध्यक्ष हूं तो मैं अपने जिले के किसानों के लिए, किसान महिलाओं के लिए, ऐसे ही आपके जिले के जो केवीके हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो भी अवश्य करेंगे, आप उनसे संपर्क में रहिए। और इसके अलावा जो मैंने हैदराबाद की बात की है वहां से बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मैं आज देख रही थी वो बहुत सारी भाषा में है, तो आप उसको भी मंगा सकते हैं, और उसमें बहुत सारी रेसिपी बहुत ही हिंदी में है, बंगला में है, अलग अलग भाषा में, तो कन्नड़ में है, जो साउथ की भाषा में, तो आप उनको भी मंगा करके भी सीख सकते हैं, घर में भी कोशिश की जा सकती है। जी तो चलिए, साथ ही ये कितना महत्वपूर्ण है कि जो प्रशिक्षण है वो लगातार देखिए इसके लिए आयोजित भी किए जा रहे हैं हर एक जिले में, बल्कि ब्लॉक स्तर पर भी इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो अब संचालित किए जा रहे हैं। हमारे पास एक और सवाल आया है डॉक्टर सिंधु, और ये है सवाल दीपक जी का इटावा उत्तर प्रदेश से, ये जानना चाह रहे हैं कि फूलों की खेती के साथ क्या किसी जो अन्य की खेती है वो अनाज की खेती जो है वो कर सकते हैं मिश्रित खेती के रूप में? देखिए कि फूलों की खेती के साथ साथ है अनाज की खेती, जैसे गेहूं की नहीं कर सकते, धान की नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे मोटे अनाज जैसे अभी कनकलता जी बता रही थी जी। तो इनके बीच बीच में आप गेंदे की रोपाई कर सकते हो ताकि उसमें इंसेक्ट कम लगेंगे। दूसरा ये है कि सब्जियों के साथ तो ये कंटेम्परेरी क्रॉप्स है ही है जी। फूलों का और सब्जियों का तो बहुत ही अच्छा मिलन होता है जी। और आप यदि गेंदे की खेती करते हैं तो बीच बीच में आप मूली की लाइन डाल दीजिए, धनिया की डाल दीजिए, आपने शलजम डाल दी, तो उससे क्या होगा कि उससे आपको दो फसल मिलेंगी, फूल भी मिलेगा और सब्जियां भी मिलेंगी जी। और जो कीड़े हैं या थ्रिप्स हैं, मिल सकता है उसका भी आपको लाभ मिलेगा। और ऐसे ही उदाहरण हमने देखा था जब टमाटर की खेती के साथ जो हमारे किसानों ने गेंदे की खेती कर रखी थी, जो वहां पे किसी भी तरह के जो कीट हैं वो नहीं आएंगे और इससे हमारे किसानों की आमदनी में इजाफा हो सकेगा। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी
तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। तो पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। एक सवाल है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं फूलों की खेती को लेकर और कैसे आप मोटे अनाज का खाद प्रसंस्करण करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हमारे पास भेज रहे हैं। फिलहाल फोन लाइन पे हमारे साथ दीपक जी जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी, सवाल आप पूछ सकते हैं दिलपत जी अपना। मेरा सवाल ये है सर जी। जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। मेरा सवाल ये है कि जो ग्राम या रतलाम जिले में माधोपुर करके गांव है, यहाँ पर मैं ऑरेंज की जो गुलाब की किस्म के पौधे लेना चाहता हूँ, तो ये कहाँ पर मिल सकते हैं और किस समय इसकी पौध रोपण और कहाँ से इसका बीज मिल सकता है ऑरेंज वाली गुलाब? जैसे गुलाब के बारे में पहले भी एक किसान ने ये सवाल पूछा था, तो यदि आप अच्छी किस्म के गुलाब और वो भी मध्य प्रदेश में लेना चाहते हैं, तो आप भोपाल में जो बागवानी विभाग है मध्य प्रदेश सरकार का, आप उनके यहाँ पे अंबेडकर चौक पे इनका काफ़ी बड़ा उद्यान है, गुलाब का ही उद्यान है, वहाँ पे संपर्क स्थापित करें जी। या वहाँ पे कोई भी एक्रेडिटेड नर्सरी है जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से या किसी सरकारी संस्था से यदि वो सत्यापित कोई नर्सरी है और उसके पास भी यदि पौधे मिल सकते हैं तो बहुत अच्छा। और दूसरा मैं यहाँ पे दलपत जी को बताना चाहूँगा कि गुलाब को लगाने का जो सही समय है वो नवंबर का महीना है, और वहाँ भी यदि ना मिले तो हमारे पूसा संस्थान में जो हमारा डिपार्टमेंट है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, जिसको हम पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग बोलते हैं, वहाँ से भी आप नवंबर के महीने में भिन्न भिन्न प्रकार के कोई भी कलर का कोई भी गुलाब की जो विकसित किस्म है उसके भी पौधे प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर सिंधु, दो सवाल हमारे पास आए हुए हैं गेंदे के फूल से संबंधित। पहला सवाल है सतीश जी का आजमगढ़ से, जो कि जानना चाह रहे हैं कि एक बीघा का जो क्षेत्रफल है उसमें गेंदे की खेती वो करना चाहते हैं, कितना खर्च इसमें आ सकता है और लाभ उसमें कितना हो जाएगा। साथ ही एक दूसरा सवाल है प्राण जी का मध्य प्रदेश से, ये जानना चाह रहे हैं कि जो दीपावली के समय हमें जो फूल बाजार में मिलता है उसके लिए रोपाई हम कब करें? देखिए बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों। तो सबसे पहला तो एक बीघे से जो यदि कोई नया किसान है और नए सिरे से फूलों की खेती करना चाहता है तो एक बीघे से वो शुरू कर सकते हैं जी। उस पर खर्च कोई खास नहीं है। यदि हम एक एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में लगभग 250 ग्राम एक पाव बीज लगेगा, जिसकी कुल कीमत आप ये लगाइए कि 1200-1250 रुपये होगी। 6000 रुपये किलो हमारा पूसा संस्थान के बीज का रेट है, तो 1250 रुपये बीज की कीमत हुई, और वो भी एक एकड़ में जी। एक बीघे में इनका बीघा 5 बीघे का एक एकड़ है या 4 बीघे का है वो अलग बात है, तो लगभग 500-600 रुपये का इनका एक बीघे में बीज लगेगा, और इससे जो आमदनी होगी वो लगभग उसी प्रोपोर्शन में 25,000-30,000 रुपया एक बीघे में हो जाएगी, उसी के अनुपात में यानी उसी के अनुपात में। और दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि गेंदा है सर्दी में लगता है गर्मियों में लगता है, अभी जो सर्दी वाला गेंदा है अभी फूल दे रहा है, जो अभी गर्मी में लगेगा उसकी नर्सरी लोगों ने डाल दी है, नहीं डाल दी है तो डाल देनी चाहिए जी। वो फरवरी और मार्च के महीने में उसकी रोपाई 15 मार्च के आसपास उसकी रोपाई कर देते हैं, उसके बाद फिर बरसाती गेंदा लगेगा आपका जो कि बरसात में फूल देगा, और तीन मुख्य जो समय है उसमें उसमें इसकी खेती होती है। और औसतन यदि हम देखें तो गर्मियों में जो गेंदा आता है उसकी जो आमदनी है उसकी अधिक होती है, लगभग एक एकड़ से 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपया। एक सवाल और था इनका, इन्होंने कहा है कि दशहरा और दिवाली जी। तो हमारी पूसा संस्थान की हमारे संभाग से निकली एक किस्म है जिसका नाम है पूसा दीप
और उसका यदि आप सितंबर के महीने में लगाते हैं तो 90 दिन में वो फ्लावर करती है जी। यदि आपने अगस्त में उसकी नर्सरी डाली, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो दशहरा दिवाली को वो फूल देती है। यानी त्योहारी सीजन पे देखिए आपको जो फूल है वो मिल सकता है। साथ ही एक और सवाल हमारे पास आया बलवंत सिंह जी का। डॉक्टर कनक लता जी ये जानना चाह रहे हैं कि जब हम बाजरे के अगर बिस्किट हमें बनाने हैं तो उसके लिए जो मशीनरी है उसका खर्च कितना आ जाएगा, या किस तरीके से आप इनको बताना चाहेंगी। ये चंद प्रताप सिंह जी हैं बिहार से, जिन्होंने ये सवाल पूछा है। देखिए अगर सिर्फ आप अपने खाने के लिए बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक ओवन होना चाहिए। ओवन 5,000 से लेकर के 15,000-20,000-25,000-30,000 तक, आप जितना बड़ा, अगर आप घरेलू बनाना चाहते हैं तो छोटे से ओवन में हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तब फिर आपको बड़े बर्तन की आवश्यकता होगी, उसको मिलाने के लिए मिक्सर की जरूरत होगी, और उसके बाद फिर तो उसमें आपका जो, अगर पूरा आप एक यूनिट बिठाना चाहते हैं तब आपको उसमें 1,00,000 तक के खर्च आपको हो जाएगा। जिसके लिए अगर आप परियोजना बना करके अगर आप इसको रखेंगे तो आपको कई जगह से इसमें आपको मतलब आर्थिक सहायता भी ऋण के रूप में मिल सकती है, और शायद संभवतः आपको उसमें सब्सिडी भी मिले। बिल्कुल, तो ये इस प्रकार इसी कड़ी में डॉक्टर करकता जी, अगर प्रसंस्करण इकाइयों की हम बात करते हैं, क्योंकि पहले काफी दूर दराज क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयां रहती थी, लेकिन अब सरकार का प्रयास यही है कि कम से कम गाँव में या ब्लॉक स्तर पर प्रसंस्करण इकाई हो, जिसके जरिए जो किसान है वो एक साथ काम कर सके, उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। और श्री अन्न को लेकर तो वैसे भी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत को एक तरीके का वैश्विक केंद्र जो है उसमें स्थापित हमें करना है मोटे अनाज के लिए। जी, तो ये जो वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर आप किस लेवल पे कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, सिर्फ अपने घरेलू उपयोग के लिए, तो मैं अक्सर बिस्किट बना लेती हूँ घर के अपने ही ओवन में। तो अगर उससे ज्यादा बनाना है तो आपका बड़ा ओवन करके आप थोड़ा अपने क्षेत्रीय आपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा मार्केटिंग करना है, ज्यादा दूर लोगों तक पहुंचाना है, तब आपको एक इकाई स्थापित करनी पड़ेगी जिसमें आपको हर चीज चाहिए वैज्ञानिक रूप से, तभी आप बना सकेंगे। और इसके लिए एक परियोजना आप तैयार करा सकते हैं जो आपके क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलके। जी बिल्कुल, देखिए तो किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं मोटे अनाज को लेकर, पोषक अनाज को लेकर, और बाकायदा, क्योंकि इसका एक जो बड़ा फायदा है डॉक्टर कनकलता वो हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो खाद्य सुरक्षा है वो हमने सुनिश्चित की, लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं पोषण सुरक्षा की तरफ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, और जब ऐसा समय जब हम G20 जैसी अध्यक्षता कर रहे हैं तो वहां ये काफी महत्वपूर्ण है कि एक धरा है, एक विश्व है, एक परिवार है, और एक तरह का पोषण जो है उस पर सबका हक है, तो पोषण सुरक्षा पूरे विश्व को मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, जब अगर श्री अन्न में हम स्थापित हो जाएं तो हम ये समझते हैं कि भारत से उत्तम जगह कोई नहीं हो सकता है जहां पे इतनी वैरायटी ऑफ श्री अन्न होती है। बहुत जगह पे लोग उगाते हैं लेकिन इतनी वैरायटी कहीं भी नहीं होती है जितना हमारे देश में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आप सर्वेक्षण कर लें तो हर राज्य में कोई ना कोई एक श्री अन्न आपको नजर में आ जाएगा, जो अभी भी लोग अभी भी उससे उसको जानते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही भले लगाते हैं। बस यही जरूरत है कि उन्हीं चीजों को पकड़कर उनको हमको थोड़ा विस्तार देना है, प्रसंस्करण की सुविधाएं प्रदान करनी है, उनके लिए उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, तो हम वो पोषण जरूर मिलेगा। रागी देखिए अंतरराष्ट्रीय अन्न बन चुका है, और अब हम उसके सप्लायर होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी जलवायु शायद ही किसी देश में हो जो वो रागी उगा सके। आज आप देख रहे होंगे कि जो शिशु आहार होता है, जो सबसे हम कहते हैं कि सबसे डेलिकेसी, जहां पे बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है, उसमें भी आज रागी का प्रयोग हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण अन्न है और कितना पोषण से भरपूर है। तो ना सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण हमारे जो पोषक अनाज है यानी मोटे अनाज है, और इसीलिए कैसे इसमें हमारा लाभ बढ़ सकता है उसके लिए हमें इस दिशा में यानी प्रसंस्करण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। फिलहाल हम भी यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया?
सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं फूलों की खेती के बारे में और कैसे मोटे अनाज यानी पोषक अनाजों का प्रसंस्करण करके आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ना सिर्फ फोन कॉल के जरिए बल्कि ईमेल पर भी अपने सवाल भेज रहे हैं। आप भी देर मत कीजिए, अपने सवाल आप हमें जल्दी से भेज सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, रामप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं करनाल हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका रामप्रकाश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो हेलो जी, एक तो रजनीगंधे के बारे में पूछना था जी, ये जो इसकी तेल निकलता है कौन सी वैरायटी का निकलता है, सिंगल का निकलता है या डबल का? जी मैं चाहूंगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें। इन्होंने ट्यूबरोज के बारे में पूछा, क्योंकि सिंगल और डबल की बात की ना इन्होंने, तो रजनीगंधा की ये बात कर रहे हैं, सिंगल में ज्यादा फ्रेग्रेंस होती है, डबल में कम होती है। जी तो देखिए ये और उसके जरिए ही रॉक सिंधु कहीं ना कहीं फायदा है किसान को होता है कि कैसे हम ना सिर्फ सीधे तौर पर फूलों की खेती कर रहे हैं बल्कि उसके जरिए जो आगे का उसका प्रसंस्करण है उस पर भी ध्यान दें हम। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है, उसकी पैकिंग है, उसको किस तरह से निकालेंगे, कौन सी, बहुत सारी इसकी प्रजातियाँ हैं, पूसा सुवासिनी है, प्रज्वल है, सिंगल है, डबल है, तो इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, और इसके साथ साथ और भी अन्य ऐसे फूल हैं जिनका कि तेल, जैसे हमने गुलाब की बारे में बात की थी, इसके साथ साथ मैरीगोल्ड की बात की थी, मैरीगोल्ड से कच्चा तेल निकालते हैं जो माइन्यूटा नाम की एक किस्म है, पहाड़ों पे वो काफ़ी जंगली टाइप हो जाती है, और पालमपुर एरिया में, मंडी एरिया में, कुल्लू मनाली के इलाके में ऐसे जंगल में उग जाती है, तो उसमें फूल तो नहीं आता जी। लेकिन उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो वनस्पतिक वृद्धि है वो काफ़ी होती है, और उसको निकाल करके और क्रशर में डाल करके उसे तेल निकाला जाता है, जो कि आपका मोबाइल और ऑटोमोबाइल में उस तेल को यूज़ करते हैं जी। और खासतौर से जो अगर हम फूलों की खेती की बात करें या मोटे अनाज के प्रसंस्करण को देखें, पहले डॉक्टर सिंधु आपसे जानना चाहूँगा, रोजगार के नज़रिए से अगर देखा जाए कितना लाभकारी है और कैसे, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं जो युवा हैं वो बाकायदा जो नर्सरी का व्यवसाय है उसको भी अपना रहे हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण फूलों की खेती का? देखिए फ्लोरिकल्चर का जो बिजनेस है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, भले ही इसका आकार छोटा है लेकिन इसकी जो आमदनी है वो काफ़ी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि आमदनी को दोगुना करना है, तो फ्लोरिकल्चर उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, उसे दो गुना की बल्कि तीन गुना और चार गुना तक भी इसमें आमदनी होती है। जैसे कि हमने कटफ्लावर का, आज का जो प्रमुख विषय है वो कटफ्लावर का है, प्रमुख फूलों के बारे में चर्चा का विषय रखा है जी। तो कटफ्लावर में आपको बहुत सारी आपको लाभ मिलता है, यहाँ तक कि जो हाई वैल्यू फ्लावर है जिसमें कि लिलियम है, कार्नेशन है, गुलाब है जी। उसका आजकल जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी शादियां हैं, त्योहार हैं, उसके दौरान में काफी अधिक मात्रा में उसका उत्पादन भी अच्छा होता है और उससे काफी लाभ भी मिलता है जी। लेकिन जो लूज फ्लावर हैं उनका कंपेरेटिवली जो है बाजार अच्छा है,
लेकिन उससे जो रिटर्न होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा जी। तो वो किसान को देखना है कि कौन सा उसको फूल लगाना है। यदि हम लिलियम की बात करें तो लिलियम बहुत ही एक हाई वैल्यू फ्लावर है जी। जिसकी एक स्पाइक यदि आप मार्केट में खरीदने जाए तो 50 रुपए मिलेगी। अभी भी पिछले हफ्ते भी 35 रुपए, 45 रुपए और 50 रुपए का रेट बाजार में वेरी करता है जी। और बाजार में खास करके डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बाजार भाव रहता है अक्सर। और ना सिर्फ त्योहारी सीजन बल्कि अभी का जो समय चल रहा है फरवरी के महीने में हम देखते हैं फूल जो है ना सिर्फ मांग भी बढ़ती है बल्कि भाव भी उनका अच्छा मिलता है। हाँ, भाव अच्छा मिलता है। और इसके बारे में अधिक जानकारी लें और आसपास के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारी कृषि विश्वविद्यालय हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के DHOs हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स, तो उनका जो कार्यालय है वहां से अधिक जानकारी प्राप्त करें जी। और आसपास के इलाके में यदि कहीं, मैं तो यहां तक कहूंगा कि कोई आप डेमोस्ट्रेशन ब्लॉक जैसे कि पूसा संस्थान या NCR के जो लोग हैं पूसा संस्थान में आ सकते हैं। अभी हमारी बहुत सारी फसलें हैं, खास करके ग्लैडुलस है, मैरी गोल्ड है, अभी बिल्कुल बम्पर फ्लावरिंग पे है, गुलाब है, और यहाँ तक कि जितने भी फ्लावर शो होते हैं दिल्ली NCR के आसपास या पूरे भारतवर्ष में भी जी। तो आप उन फ्लावर शो में भी जा सकते हैं। हाल ही में 17 तारीख से 19 तारीख तक 17, 18, 19 फरवरी यहाँ पे साकेत में सहजदुल्ला जो एक स्पेस है, यानी अलग अलग गार्डन ऑफ फाइव सेंसरी जानकारी मिल सकते हैं और बाकायदा आप देख सकते हैं। दिल्ली टूरिज्म का फ्लावर शो होने जा रहा है, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं, देख सकते हैं 3 दिन का जो फ्लावर शो है। और इसके साथ ही आपको बता दें मार्च के महीने में पूसा कृषि मेले का भी आयोजन होगा, वहाँ भी ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही डॉक्टर कनकता आपसे भी जानना चाहेंगे रोजगार के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण कि मोटे अनाज का प्रसंस्करण कर हमारे जो किसान है, जो युवा है या महिलाएं जो लगातार अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई है, समूह जुड़ी हुई है, वो और आगे बढ़े और अपने लाभ को बढ़ा सकें। जी बिल्कुल, अगर अभी आप देखें तो लोगों में ये जागरूकता बढ़ी है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है, तो उनको अब है कि जो बाजार में लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो बाजार में रहती है, वो उगा तो सकते नहीं है, उनको तो बाजार पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। तो अब जरूरत है कि बस ये जो श्री अन्न है इनको विभिन्न फॉर्म में, जैसे कि जो जो चीज जो व्यंजन बनते हैं, जैसे मैंने बताया कि रागी के पापड़ बहुत अच्छा, जो हमारे डांग क्षेत्र है गुजरात में, वहां की महिलाएं बना रही हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यंजन है जो बन रहे हैं, बिस्किट्स हैं, जो मैंने बताया नान खटाईज हैं, बहुत बहुत तरह के व्यंजन हैं, बस उनको है कि आप ब्रांडिंग पैकिंग करके उनको बाजार में उतारने की है। और ये उतर भी रहे हैं क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ जो आजकल टेली मार्केटिंग और जो हम बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं, तो वहां पे अगर आप एक बार सर्च कीजिए तो देखिए कि बहुत सारी चीजें आपको वहां आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो बाजार में है। बस अब वो है क्या कि उसको अब कहीं बहुत बड़े पूंजीपति तो कर ही कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं उनका भी मेरा आह्वान यही रहेगा कि आपकी चीज है, आप उस बाजार में उतरिए और आप शुद्ध चीजों को आप वहां तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा, ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि ये हमारी जो प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा आह्वान है और एक संकल्प भी है कि हम सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक हम अपनी इस प्रोडक्ट को पहुंचा सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें जाएंगी, क्योंकि मैं इसलिए इतनी आशावान हूं क्योंकि ये हमारे देश में ही ये श्री अन्नों के उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा है और यहाँ के किसान हैं वो इनको कर भी रहे हैं, मतलब जो प्रसंस्करण है उनसे वाकिफ भी हैं, यानी परिणाम जो है वो धरातल पे हमें नजर आ रहे हैं, इसी वजह से और उम्मीदें जो हैं वो जाहिर तौर पर बढ़ जाती हैं और अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में। साथ ही डॉक्टर सिंधु, एक छोटा सा सवाल और आपसे लेना चाहूंगा, एक दर्शक है उनको हम नहीं चाहते कि वो नाराज हो, उनका सवाल शामिल नहीं किया गया, ऑर्किड की खेती के बारे में जानना चाह रहे हैं किस तरह की जलवायु में हो सकती है और कौन सी अच्छी किस्म। हाँ, ऑर्किड एक ऐसा बहुत ही हाई वैल्यू फ्लावर है और ऑर्किड की खेती वैसे तो सिक्किम में बहुत ज्यादा होती है और नॉर्थ ईस्ट में, खास करके अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम में हमारी ऑर्किड की एक संस्थान भी है ICR की, वहां से भी ये गूगल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जैसे गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में ऑर्किड उगाना संभव है जी। यहाँ तक कि दिल्ली में और NCR में भी लोग ऑर्किड उगाते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा हो जाते हैं। गुजरात में क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है, नवसारी एग्रीकल्चर नवसारी में भी उगाया जाता है जी। जानकारी जरूर ले लें, उसके बाद ही इस तरह की जो खेती है उसकी आप सोचें, और व्यावसायिक खेती के लिए उससे पहले जो कृषि विशेषज्ञ उनसे भी सलाह लें। फिलहाल आज हमारे दोनों विशेषज्ञ, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आपका भी। तो जाना आपने ना सिर्फ फूलों की खेती के बारे में बल्कि मोटे अनाज के प्रसंस्करण के बारे में भी। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही आप अपने सवाल जो हैं वो तैयार कर सकें। कल खासतौर से आपको बताएंगे देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के बारे में,
पूरी जानकारी दी जाएगी और पहाड़ी क्षेत्रों में याक पालन के बारे में। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम जिनके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, यहां भी आप अपना सवाल लिखकर छोड़ सकते हैं। और साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो एक बार फिर से नंबर आप नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल दर्ज आप करा सकते हैं। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस क्यूआर कोड को स्कैन करें जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहां हेलो किसान के माध्यम से सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।